ऑलराइट, तो आज हमारे साथ दो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम एक्टर हैं जिनका साथ लाइफ में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और म्यूजिक वीडियो भी आया है तेरा साथ हो एंड करण जी, जारा जी, जिस तरह से कोविड भी हमारे बीच में रहता है, अब हम देखते हैं कि लोगों का साथ मिलना चाहिए लेकिन लोग मिल नहीं पाते, लोगों का साथ नहीं हो पाता, एंड उसके ऊपर गाना आया है बहुत ही ब्यूटीफुल। कुछ कहना चाहेंगे आप तेरा साथ हो, जिस तरह से लोग आजकल तेरा साथ छोड़ रहे हैं? हर किसी का उस गुरु अंधावा नहीं होता ना जोड़ने के लिए। हाउ स्वीट, सो ट्रू, सो ट्रू, दिस रिमाइंडेड मी ऑफ दैट शॉट। बट आई थिंक यार इट्स, जैसे आपने कहा कोविड चल रहा था पिछले दो साल से, तो चल ही रहा है, आई थिंक सब, आई थिंक लाइफ इज चेंज्ड पोस्ट कोविड सबके लिए, एंड आई थिंक जो आपके क्लोज होते हैं वो क्लोज ही रहते हैं, कोविड या नॉन को, नो कोविड, उससे कुछ नहीं होगा। बट गाना आया है, पीपल आर लविंग इट, एंड जब हमने शूट किया था तभी हमें पता था कि इट्स समथिंग दैट वी एंजॉय, तो जब आप खुद का काम एंजॉय करते हो ना तो इट रेजोनेट्स। एंड कोविड के अभी हालात भी मतलब अब ना के बराबर हो गए, अब टाइम है कि अब टाइम है कि आप क्लब्स में जाएं, तेरा साथ हो सुने साथ में और डांस करें। आई विश कि ये पार्टी नंबर बने हैं, लोग गाने पर गुनगुनाए, बहुत ही पसंद आए लोगों को। एंकरेज जी, फोटोग्राफर बने हैं आप, मैंने जितना वीडियो में फोटोग्राफर एंजॉय किया आपने अपनी फोटोग्राफी को, तो बताइए कि किस तरह की फोटो। हाँ पहले आप। नहीं यार बहुत मजा आया, आई थिंक यू नो जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप फिल्म्स करते हो, टीवी करते हो, वेब करते हो या म्यूजिक वीडियो करते हो, अगर एक कहानी होती है जो आई थिंक कॉलिन आर डायरेक्टर जिस उन्होंने शूट करने से पहले हमें ना एक एक कहानी भेजी थी गाने पे मॉन्टाजेस बना के, कि उन्होंने कहा था ये मैं बनाना चाहता हूँ, सो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू पहले कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सो यू आर प्लेइंग अ फोटोग्राफर, इट्स एक स्टोरी है यू नो, एक फोटोग्राफर और उनकी म्यूज जिनकी वो पिक्चर्स खींच रहे हैं, उनकी एक लव स्टोरी की कहानी है, उनकी एक वो यू नो एक दूसरे को like an attraction which happens basically lot of times in your workplace you get attracted to somebody and then ek choti si cute si love story shuru ho jati hai, but ye thodi happening aur hot si love story thi, but bahut maza aaya kyunki I think Colin was so clear about what he wanted to do, or I think jab aap ek aisi team ke sath kaam karte ho jahan pe everyone's excited about jo wo kar rahe hain, bahut rarely hota hai, main isliye nahi keh raha hu kyunki I am a part of this music video, but मेरे साथ भी मेरे करियर में बहुत रेयरली होता है कि आप एक सेट पे जाते हो और आप एक्चुअली वापस नहीं जाना चाहते। यार इट वाज सो मच फन, टू द पॉइंट कि ज़ारा, मेरे को याद है अभी लास्ट डे, ज़ारा को पता नहीं था कि हम लोग परफॉर्मेंस के बाद, मतलब गाना वाना खत्म करने के बाद हम लोग बैठने वाले हैं। यस एंड ज़ारा वाज रियली टायर्ड, एंड ज़ारा ने हमें सेट पे बाय बोला, ज़ारा ऑलमोस्ट घर पहुंच गई, उसे तब पता चला कि हम लोग सब वैनिटी में वेट कर रहे हैं, so she came back and chilled with us, so I think ye na bahut rarely hota hai, and I didn't even say ki main nikal gayi hu, nahi to I think sab bolte acha chalo wo to chale gaye, nahi ek wo hota hai na ke, but no I was like I have to go back, I think it became a very fun, those 2 days bahut bahut maza aaya, really jo hamare photographer the, jo inke photographer the, unse main seekh raha tha ki you know thoda bahut jitna you know idea hona chahiye, बिकॉज फोटोग्राफर प्ले करना और फोटोग्राफर होने में बहुत फर्क होता है, बट ही क्लिक सम गुड पिक्चर्स, तो मैंने उन्होंने, तो फोटोग्राफर ने मुझे यही कहा कि सर आप एक काम करो, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद आप जब आप शूट कर रहे होगे ना तो आप एक्चुअली फोटो खींचो, क्योंकि अगर आप फोटो नहीं खींचोगे ना तो आप एक्टिंग करोगे, और आप अगर एक्टिंग करोगे ना कभी कभी कैमरे पे पकड़ा जाएगा, तो आप तो कई कैमरे में ना शॉट्स हैं कि मैं एक्चुअली ज़ारा की पिक्चर देख रहा हूँ, एंड बिकॉज़ दे आर सो रियल दे एक्चुअली वेंट टू द फाइनल एडिट, तो एक्चुअली मतलब कई शॉट्स हैं जब मैं सिर्फ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ज़ारा पिक्चर्स एंड आई क्लिक, तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे मैंने कहा कि जब पूरी टीम, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या स्पॉट हो, जब एक एक इंसान यू नो फुली वर्क्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ समथिंग बिकॉज़ दे आर एंजॉयिंग, तो ये रिजल्ट होता है। नहीं नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या जितना कहूँ, इनकी फोटो अच्छी है, नहीं नहीं जितना कहूँ उतना कम है, बट बेसिकली हमारे जो डायरेक्टर है कॉलिन, जो हमारे कोरियोग्राफर है रजत, उन लोग दोनों ने मिलके बहुत ही डिटेलिंग में
पूरा सेटअप किया, यू नो लाइक वी हैव गॉट 7 लुक्स इन द सॉन्ग. यस, सो टू फिनिश दो 7 लुक्स इन 2 डेज, एक एक कॉस्ट्यूम पे बहुत ही अच्छे से काम हुआ. एंड देन द कोरियोग्राफी कि भाई दिस इज हाउ इट शुड बी. सो ऑब्वियसली आई मीन दो दिस इज माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो शूट वेयर आई हैव फीचर्ड इन इट, इट वॉज वेरी डिफरेंट. एज ही सेड कि बहुत डेडिकेटेडली सबने सब कुछ किया, यू नो, तो एवरीबडी न्यू वट देर डूइंग. सो वेन यू आर ऑन सेट एंड यू नो के यू आर इन गुड हैंड्स, आपको पता है कि क्या हो रहा है, दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर एन एक्टर. बहुत ही यू नो यू फील वेरी रिलैक्स्ड कि हाँ वेर इन गुड हैंड. हाँ, मतलब फिर ना ऐसा नहीं लगता कि अच्छा गाना तो अच्छा है ही, कभी कभी हाँ यस अच्छा ना तो चल जाएगा. यस यस. Yes. Why do you want to spend so much money on a video? Yes, why correct, do you want correct. To put that effort on a video correct. Where, you know, you're getting like a film director. Yes. You're getting like, you also are actually telling Guru, ki, you know, yes. we want you yes, in the exactly, video. Yes, exactly, exactly. Because, ye aapka bhi utna hi gaana hai, jitna exactly, aap sabka hai. Exactly. So, I think, wo jo effort hota hai na, and for yeah. Guru also, I think, wo busy the apne kahin shoot mein. Yes, he actually correct. Came for 6 hours. Yes, shot it and went. Unhone so, shooting kari, it was very sweet of him. Unki flight leke wo chale gaye. But he said ki nahi yaar, I want to be a part of it because it's such a good product, you know, altogether. The audio is great and equally, जितना अच्छा ऑडियो है उतना ही अच्छा एक वीडियो भी बना है. एंड आई फील इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वीडियोस दैट डू कम आउट, म्यूजिक वीडियोस दैट डू कम आउट. आई थिंक इट हैज दैट वेरी ब्यूटीफुल फिल्मी टच टू इट. एंड ऑब्वियसली दैट्स बिकॉज ऑफ कॉलिन, कॉलिन्स डायरेक्शन एंड द कोरियोग्राफी व्हिच हैज कम आउट सो वेल बिकॉज ऑफ रजत. सो एंड आवर डीओपी वाज अमेजिंग. सो करण जी, यही मेरा अगला सवाल था. आई थिंक करण जी आज बताएंगे कि किस तरह की फोटोग्राफी क्लिक करने में बिलीव करते हैं जब आपके सामने इतनी ब्यूटीफुल एक्टर हो. सो किस तरह की फोटोग्राफी क्लिक करने में बिलीव करते हैं? करें यार आप, मतलब आप इन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दो, इनकी फोटो खींचो, इनका आपकी फोटोग्राफी स्किल्स नहीं है. आई थिंक इट्स जस्ट जो ज़ारा, नो बट आई थिंक ज़ारा इज, ज़ारा आई एम श्योर नोस दैट शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. एंड आई थिंक इट्स इट्स ऑलवेज फन, क्योंकि यू नो आप कभी कभी जब हम अपने फोन पे फोटो खींचते हैं और कभी कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने पता नहीं कि हाफ लाख तो हम फोटो खींच दी. आई थिंक उसमें ज्यादा टैलेंट होता है. जब ज़ारा फ्रेम में हो तो फिर क्या टैलेंट है, फोटो खींचो अच्छा ही सुंदर ही लगने वाली है. नहीं ऐसा नहीं. तो आई थिंक मुझे एक बहुत ही, अगर मैं एक लेमैन पर्सपेक्टिव से एक थॉट बोलूँ ना, मुझे खुली छूट थी ज़ारा को खुल के देखने की, और मुझे कोई नहीं रोकेगा. तो मैं, मुझे कैमरा पकड़ा दिया गया था, मुझे वो यू नो देसी भाषा में बोलते हैं ना कि ताड़ो, अरे यार वो कोई नहीं रोक सकता. You wanna look at Zara as much as you wanna look at Zara, look at Zara, because that's your job. अरे बिल्कुल. एंड मैंने देखा कि different पोज करते हुए. सो बताइए ज़ारा जी, जब फोटोग्राफर आपके सामने है, वो भी हैंडसम फोटोग्राफर है, तो किस तरह के पोज देना पसंद करती हैं ज़ारा जी? मैं किस तरह के पोज देना पसंद करती हूँ? ज़ारा was romancing the camera. Oh, for the first half an hour she was romancing the camera. Then उन्होंने कहा कि यार वो कैमरा के पीछे कैमरा में इनको रोमांस भी कर लो. कैमरा इज माई फर्स्ट लव, आई विल नॉट लाइक, बट नो इट वॉज फन. एंड ऑनेस्टली एज यू सेइंग कि आप क्या पोजेस करी थी, ऑब्वियसली वेन वेयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और हम एक जो स्क्रिप्ट के हिसाब से जो हमें बोला गया करने को, तो एज ही सेड कि यू नो मुझे क्लिक कर रहे थे एंड ही हैड दैट फ्रीडम टू रियली लुक एट मी. सो मैं भी आई थिंक वही चीज़ कर रही थी कि आई एम सपोज, बिकॉज मुझे फीलिंग्स जाग रही हैं फोटोग्राफर के लिए, आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू हिम. तो आई थिंक मोर देन द कैमरा इट वॉज मी ट्राइंग टू इम्प्रेस करण विद माई पोजेज के येस लुक एट मी मोर, आई लुक अमेजिंग. तो देखो तो आई थिंक यही चल रहा था. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट द केमिस्ट्री हैज कम आउट रियली वेल. मेरी मम्मी ने जब देखा फर्स्ट कट, तो द फर्स्ट थिंग, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, द फर्स्ट थिंग शी सेड, शी वाज लाइक अरे ये लड़का तो बड़ा अच्छा लग रहा है. कौन है? आई थिंक दिस करण मॉम, अच्छा वेरी नाइस वेरी गुड लुकिंग बॉय, ही इज लुकिंग ग्रेट. कितना डिफिकल्ट होता है कि इनके साथ में प्रेम में रहो और लोग आपको देखें.
नो नो ही इज गिवन सम अमेजिंग सुंदर लगने के लिए नहीं बट इन्होंने मेहनत की हुई बिकॉज इनके शूट पे बहुत अच्छे ऐसे सिक्स पैक या एट पैक एब्स कितने वो ऐसे ही हैं चलते हैं वो आई थिंक मेरा आई थिंक आई वाज बोर्न विद इट एंड आई रिमेंबर समथिंग वेरी फनी आई थिंक इट वाज द लास्ट डे जब हम लोग डांस की रिहर्सल कर रहे थे तो कॉस्ट्यूम का भी साइड बाय साइड चल रहा था एंड ही हैड कम इन एंड ही वाज लाइक कि यू नो मुझे थोड़ा कुछ ऐसा पहनना है व्हिच एटलीस्ट शोज माय पैक्स एंड मैं भी दो तीन दिन से यही सोच रही थी और मैंने फिर इनको बोला मैंने कहा पहनो ही मत शर्ट बस हां यार आई थिंक मतलब यू नो इट्स एक्चुअली पहली बार मैंने इससे पहले एक म्यूजिक वीडियो की थी बहुत साल पहले एंड आई रियलाइज व्हेन आई वर्कड ऑन दिस कि जब आप व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट जहां पे यू नो योर डायरेक्टर आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी दैट आई वांट पीपल टू बी लाइक oh my god yeah when, that first when frame they, when they watch the two of you because it's not about if she's looking yeah hot it's or a, you're it's, looking yeah. oh my god as an audience yeah. when they see you they're like how are they looking together this is what I want yeah and I feel jab wo ek zone hota hai na to I think it's that camaraderie that comes ki yaar mujhe bhi acha karna hai aapko bhi acha karna hai and we help each other jaise other jaane mein hoga yaar ye mat pehen and I was like nahi yaar I don't want it to look forced she's like nahi lagega to pehen to sahi tu sirf jacket pehen le bas aur kuch nahi that's one yeah yeah and he keeps helping me, I would say, informing me. बहुत बहुत बार Instagram के लिए हमारे जो वो आते हैं कि भाई अब ये अपलोड करना है तो उसका वो बन के आता है कैप्शन बन के आता है तो lot of times मैं ऐसे कॉपी करके मैं पेस्ट करती हूँ Obviously, I am dedicated, but sometimes shoot जाता है तो उसमें बाकी भी भूल जाती है तो कभी-कभी सारा फोन करेगी कि अरे वो कल ना डालना है मैंने कहा हाँ कल वो टाइम पे डालना है बिल्कुल डालना है वो एक पोस्ट है तुम्हें और मेरे साथ में डालना है फिर ज़ारा मुझे कहती है कि डोंट वरी मैं तुझे डालती हूँ मैं कोलैब रिक्वेस्ट तुझे डालती हूँ तू सिर्फ अप्रूव कर ले ठीक है हो गया मे बी पॉसिबल है कोई मैं डालू तो डाले की बात है मैं सुबह उठता हूँ इनको लग रहा है इन्होंने डाल दिया है क्योंकि इन्होंने टी सीरीज का पेज देखा होगा टी सीरीज का कॉलिंग का सबने डाला हुआ है तो इनको दिमाग में चल रहा है इनका भी डल गया फिर मैंने वही सेम चीज की है और मैसेज किया और कॉल किया मैंने कहा आप अप्रूव कर लेना इनको अब आपको पोस्ट करने की जरूरत है बस एक्सेप्ट कर लेना तो भाई ऐसे आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द पोस्टर लॉन्च में हमारी दो पोस्ट्स ऐसी हुई मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैं कभी डालेगी अभी डालेगी अभी सारा डालेगी सो यार दिस फनी थिंग्स हैव बीन हैपनिंग व्हिच वी आर स्टिल एंजॉयिंग लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाना पोस्ट हो चुका है एंड लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है गुरु रंधावा जैसा कि आप लोगों ने बात की कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस जब भी वो फ्रेम में होते हैं आपके साथ में होते हैं तो फॉर मी इट वाज वंडरफुल बिकॉज मेरे साथ उनका जर्नी डांस मेरी नानी से शुरू हुआ यू नो सो आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो That came out. Then we did one song for Chandigarh Kade Aashiqui. So that came out. This was one step up because this was not just an audio that we did together, but you know where we were on screen together. And he's amazing to collaborate with. Plus, I was very excited that you know there's me, there's Karan, there's this love story going on. Then there comes a guru. You know, so I've seen people's reaction also. जब उन्होंने first time video देखा, तो देख रहे हैं आप very nice, very nice, very nice. And then suddenly you have this guru Randhawa popping up, and you're like, अरे, you know, where has he come from? Like, oh my god. So it was a great experience, and you know, I hope we do more stuff together as well. But yeah, overall it was wonderful. यार गुरु यार obviously I guess you know it's so much fun to work with him, and not just the you know the artist that guru is. But I think Guru the human being is so sweet. मतलब मैं you know मैं I think सारे दोस्तों को ये कह रहा था after my shoot that it's so nice to meet someone like him who's actually chilled out very so chilled out. He's so big in what he's doing. Yeah. उनका इतना नाम है उन्होंने इतना नाम और शोहरत बना ली है. He's doing shows right now in America. Yes. उनके concerts, you know, school जा रहे हैं. Yes. So that's the popularity that man has, and वो जब set पर आते हैं,
या उनका जो जो हम मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि गुरु भाई आप हाउ व्हाई डिडंट यू वांट टू यू नो बी फीचर्ड इन अ सॉन्ग, ही वाज वेरी सो द थिंग्स दैट ही सेड एंड ही टोल्ड मी जस्ट मेड मी जस्ट यू नो रिस्पेक्ट इवन मोर बिकॉज़ वो इतने उनका कमाल का इतना थॉट है कि यार देयर इज अ रीजन आई डिड दिस सॉन्ग एंड मुझे गाना पसंद था इसलिए मैंने गाना गाया. लेकिन जो गाने की स्टोरी है या जो गाने का थॉट है आई डोंट वांट टू ओवरस्टेप दैट कि मेरा नाम इतना बड़ा है. यस करेक्ट. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम दोनों कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकता. इन फैक्ट ही सेड दिस टू मी, ही सेड दिस, ही सेड यू नो इट्स योर ऑडियो एंड आई वांट यू टू बी द दिस थिंग ऑफ इट. I'm just here to support you. Yeah. So that was very sweet. It was very, very sweet. Because he didn't need to do it. He didn't need to do it, honestly. You know? So but he went out of the way, he did it. So that was great and makes me feel happy because I'm a T-Series artist. So, you know, you have that good bond with your T-Series artist. Yeah, that feels good. So, actually, मैं आपको बता दूं कि आप जैसा कि जानते ही हैं कि ज़ारा जी बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन आज थोड़ी सी ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आज जो भी है, बहुत अच्छा गाएंगे. फिर भी गाएंगे एंड बहुत ही धमाकेदार गाएंगे. सो आप गा सकते हो ना? Yes, बिल्कुल. हाँ, मैं ज़ारा का वर्जन ही लिप सिंक करूंगा. Do that, let's do it. Here goes. मैं थोड़ी क्या बोलते हैं माजरत चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा खराब. चाहती हूँ माजरत. इट्स उर्दू का लव्ज. ये एक तो उर्दू में ना कुछ भी कोई बोल दे ना तो सामने वाला आई लव यू टू ही बोलता है. इतनी इतनी प्यारी भाषा ना कि माजरत माजरत एक्सक्यूज. अब सोचो हिंदी में अगर हम ये बोले, सुनो यार दो मिनट दो. इट्स लाइक सो हियर गोज. चलो हाले से तू जो आँख छूले, तेरे छूने से रात हो, तेरी मेरी दोस्ती की कोई तो शुरुआत हो. कैसा लगने लगा रोज तुमसे किसी भी बहाने से बात हो, भूल करिए जहाँ बस आओ मेरे हाथों में तेरा हाथ हो, तेरा साथ हो. That's why I was holding his hand. ये मतलब ये गला खराब है आपका. रियली गला खराब है. करण जी अगर गला ठीक होगा तो कितनी अच्छी आवाज. मैं सर मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं मुझे ना बहुत मैं फूक फूक के जमाने से लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज ना बहुत ही ऐसे खराश है, मेरी आवाज में होश आवाज है. तो जब भी मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ वो कहते हैं ना कि उनका गला खराब है और वो फिर ऐसा गाते हैं, तो मुझे लगता है कि यार ऐसा गला मेरा क्यों नहीं. करण यू आल्सो सिंग वन सॉन्ग. सी इफ आई सिंग द सॉन्ग ना, वो जितने मिलियंस आए हैं ना वो ले लेंगे वापस लोग. नहीं, वो कहेंगे तेरा दीवाने नहीं है हम. जस्ट शो योर एब्स एंड सिंग. तो दैट्स व्हाट द ऑडियंस है ना, कि जब तक तू एब्स और अपनी शक्ल दिखा रहा है ना हम गाएंगे मतलब तेरे दीवाने हैं हम. अगर तूने गाना गाया तो देन तुझे हमारा दीवाना बनना पड़ेगा. तेरे दीवाने नहीं होंगे. तो चलिए आप बस ऐसे ही तेरा साथ हो देखते रहिए. yes, देखते रहिए एंड इनके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है. yes, वो भी देखिए. थैंक यू सो मच करण. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो स्वीट. गुड लक. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Thanks a lot, guys. Please yes. keep watching Tera Saath Ho. Yes, it's trending on the music charts on YouTube. Please make it reach number one. And you're showering us with so much love. Love, keep bringing it in. And yes, thank you. Thank you. Thank you so much.